पलवल में पुलिस रात्रि गश्त की पोल उस समय खुल गई जिस समय शहर के पौश इलाके न्यू कॉलोनी के समीप श्रद्धानंद पार्क के सामने लगे पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को अज्ञात चोर उखाड़ कर ले गए और पुलिस को चोरों की भनक तक नहीं लगी। बताया जा रहा है कि चोर इतने शातिर थे जिन्होंने एटीएम बूथ में घुसने से पहले वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे किया ताकि उनकी पहचान न हो सके और उसके बाद नोटों से भरी एटीएम मशीन को स्कॉर्पियो गाड़ी में लादकर फरार हो गए। एटीएम मशीन चोरी करने का खुलासा उस समय हुआ जब लोग एटीएम से रुपए निकालने के लिए वहां पर पहुंचे जिसके बाद एटीएम मशीन चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौका मुआयना करने के बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। चोरी किए गए एटीएम के अंदर 25,33,500 रुपए बताए जा रहे हैं। करीबन 2:30-3 बजे सुबह में हमारे पास मैसेज आया कि ऐसे ऐसे एटीएम में चोरी हो गया है, तो हम वहाँ मौके पर पहुँच गए, हमने वहाँ चेक किया तो वो एटीएम मशीन वहाँ पे शीशे वगैरह तोड़ के वो वहाँ से चोरी किया हुआ था और हमारे पास इस संबंध में अभी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। कितना क्या कैश चोरी हुआ है, जब भी कंप्लेंट आ जाएगी क्या चोरी हुआ है उसकी FIR। अभी क्लियरिटी तो नहीं है, बता रहे हैं 2-3-4 लोग की गाड़ी बता रहे हैं जैसे कि स्कॉर्पियो थी, तो हमने टीम बुलाई थी मौके पर, FSL टीम थी, तो वो रिपोर्ट देंगे उसको, वहाँ से हमने डंप वगैरह सारी वो जो कार्रवाई है मौके पर वो करवा दी। CCTV कैमरे दरअसल उन्होंने वो लगाया हुआ था, उसमें स्प्रे मार रखा था, उससे अभी कुछ भी पता नहीं लगा। आसपास के CCTV कैमरे अभी दुकान खुलेगी तो उनको हम चेक करवा लेंगे। भले ही स्थानीय अधिकारियों द्वारा समय समय पर बैंको अधिकारियों के साथ बैठक करके एटीएम मशीनों पर सुरक्षा गार्ड रखने की हिदायत दी जाती हो, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बैंक के लिए जारी की जाने वाली गाइडलाइन का बैंक अधिकारियों पर कोई असर नहीं दिख रहा। बैंक अधिकारियों की लापरवाही के चलते कभी बदमाश एटीएम को उखाड़ रहे हैं तो कभी लूट कर रहे हैं, जिसका खामियाजा पुलिस को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब देखना इस बात का होगा कि क्या पुलिस की तरफ से उन लापरवाह बैंक अधिकारियों के खिलाफ भी कोई कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाती है या नहीं, जो प्रशासनिक आदेशों को रद्दी की टोकरी में डालकर आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं।